हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो ये स्पेशली ओटी स्टूडेंट्स के लिए है, यानी कि ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के लिए। तो इसमें हमारा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो एमसीक्यू टाइप है और फिलअप है, ठीक है। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है विच पोजिशन इज यूज फॉर अपेंडेक्टोमी, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन सुपाइन, सेकंड ऑप्शन है प्रोन, थर्ड ऑप्शन है राइट लेटरल एंड फोर्थ ऑप्शन है लेफ्ट लेटरल। इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो है सुपाइन, ठीक है, सुपाइन पोजीशन। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है इंडिकेशन ऑफ लुम्बर पंक्चर, यानी कि यहाँ पे लुम्बर पंक्चर, यानी लुम्बर पंक्चर करके हम लोग किस किस चीज़ का डायग्नोसिस कर सकते हैं, किस चीज़ को इंडिकेट करता है ये, ठीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन अपेंडिसाइटिस है, दूसरा मेनिनजाइटिस है, तीसरा है कोलसिस्टाइटिस है, चौथा है न्यूमोनाइटिस है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो आंसर होगा वो है बी ऑप्शन, मेनिनजाइटिस। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट यूज्ड इन जनरल एनेस्थीसिया। तो प्रोपोफोल फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन है आइसोफ्लोरेन, थर्ड ऑप्शन है हेलोथेन एंड फोर्थ ऑप्शन है सीवोफ्लोरेन। जिसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वह प्रोपोफोल, जो कि लिक्विड के फॉर्म में रहता है, ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन है हमारा गॉल ब्लेडर स्टोर्स, यानी गॉल ब्लेडर कौन सा जूस सिक्रेट करता है, क्या स्टोर करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इंटेस्टाइनल जूस, सेकेंड ऑप्शन है पेनक्रियाटिक जूस एंड थर्ड ऑप्शन है बाइल जूस एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा बाइल जूस, यानी स्टोर गॉल ब्लेडर करता है और सिक्रेट कौन करता है बाइल जूस को, लीवर। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है कलर कोडिंग ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर, यानी नाइट्रस N2O जो सिलेंडर होता है उसका कलर कोडिंग कैसा होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है ब्लू, सेकेंड ऑप्शन है ब्राउन एंड थर्ड ऑप्शन है वाइट एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑरेंज। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो है ब्लू। अब हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है CPR stands for, यानी CPR का फुल फॉर्म क्या होगा। तो वो फर्स्ट ऑप्शन है कार्डियोपुलमोनरी रेस्पिरेटरी, सेकेंड ऑप्शन है कार्डियो पल्स रेट एंड थर्ड ऑप्शन है कार्डियोपुलमोनरी रिससाइटेशन एंड फोर्थ ऑप्शन है चेस्ट पुलमोनरी रिससाइटेशन। तो इसका राइट आंसर होगा कार्डियोपुलमोनरी रिससाइटेशन, ठीक है। इसको CPR को दूसरे ये में बोलते हैं BLS, यानी बेसिक लाइफ सपोर्ट। अब हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है COPD stands for, यानी COPD का भी फुल फॉर्म यहाँ पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव फिजियोथेरेपी डिजीज एंड सेकेंड ऑप्शन है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुलमोनरी डिजीज एंड थर्ड ऑप्शन है क्रैनियल ओसिपिटल प्रेशर डिजीज, फोर्थ ऑप्शन है हमारा कॉमन ऑब्स्ट्रक्टिव पुलमोनरी डिजीज। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो है बी ऑप्शन, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुलमोनरी डिजीज। अब हमारा एट क्वेश्चन है पिन इंडेक्स सिस्टम ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर, यानी पिन इंडेक्स सिस्टम, यानी ऑक्सीजन सिलेंडर का पिन इंडेक्स कितना होगा, ठीक है। तो पिन इंडेक्स सिस्टम क्यों है, ताकि जो सिलेंडर का जो वहाँ पे वार्ड लोग काम करते हैं वो लोग कंफ्यूज ना हो जाएं सिलेंडर में, ठीक है। तो इसीलिए सही सिलेंडर का सही जगह यूज हो, इसीलिए पिन इंडेक्स दिया जाता है, ठीक है, पिन इंडेक्स सिस्टम होता है। तो क्वेश्चन है पिन इंडेक्स सिस्टम ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 2-5, सेकेंड ऑप्शन है 4-1 एंड थर्ड ऑप्शन है 3-7 एंड फोर्थ ऑप्शन है 2-3। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो है ए, यानी 2 और 5, ठीक है। तो अगर इसमें कभी पूछा जाए कि N2 यानी नाइट्रस ऑक्साइड का पिन इंडेक्स कितना होगा, तो वो होता है हमारा 3-5, ठीक है। अब हमारा है नाइन्थ क्वेश्चन, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज अ लाफिंग गैस। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है CO2, सेकेंड ऑप्शन N2O एंड थर्ड ऑप्शन है NO2 एंड फोर्थ ऑप्शन है B2O। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है, यानी लाफिंग गैस के नाम से कौन सा इसमें से जाना जाता है, कौन सा गैस लाफिंग गैस के नाम से जाना जाएगा, वो है हमारा N2O, यानी नाइट्रस ऑक्साइड। और हमारा टेंथ क्वेश्चन है द पोजिशन ऑफ अपेंडिक्स इन द एब्डोमेन, ठीक है। तो हमारे एब्डोमेन में किस मतलब यानी किस पार्ट में, किस डायरेक्शन में हमारा जो है अपेंडिक्स का पोजीशन है, तो लोअर राइट, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन लोअर राइट है, सेकंड ऑप्शन लोअर लेफ्ट है, थर्ड ऑप्शन अपर राइट है एंड फोर्थ ऑप्शन है मिड एब्डोमेन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है लोअर राइट। अब हमारा इलेवेंथ क्वेश्चन है व्हाट इज अपेंडिसाइटिस, यानी अपेंडिसाइटिस क्या होता है।
तो फर्स्ट ऑप्शन है इन्फ्लेमेशन इन इंटेस्टाइन, सेकंड ऑप्शन श्रिंकिंग ऑफ द अपेंडिक्स, एंड थर्ड ऑप्शन है इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स, एंड फोर्थ ऑप्शन है इन्फ्लेमेशन इन कोलोन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स, यानी अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन यानी इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसे हम लोग अपेंडिसाइटिस कहें। तो हमारा 12th क्वेश्चन है सिम्टम्स ऑफ अपेंडिसाइटिस, यानी अपेंडिसाइटिस के सिम्टम्स क्या होंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है लॉस ऑफ एपेटाइट, एब्डोमिनल टेंडरनेस, एंड सेकंड ऑप्शन है एब्डोमिनल पेन, फीवर एंड वॉमिटिंग, एंड थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, और फोर्थ ऑप्शन है अपेंडिसाइटिस यूजुअली हैज़ नो सिम्टम्स। तो इसमें क्या है कि इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, अपेंडिसाइटिस का कोई फंक्शन नहीं है हमारे बॉडी में, लेकिन वो अगर हो जाए, अपेंडिक्स हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक वो वेस्टिजियल ऑर्गन है, लेकिन अगर अपेंडिसाइटिस यानी उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसके सिम्टम्स ज़रूर आएंगे हमारे बॉडी में। तो इसका आंसर होगा ए एंड बी, यानी कि वो इसमें जो सी ऑप्शन है वो होगा राइट आंसर, यानी ए और बी में जो भी है वो सारा अपेंडिसाइटिस का सिम्टम्स है। तो इसका राइट आंसर हो गया बोथ ए एंड बी। अब हमारा 13th क्वेश्चन है सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लेडर इज़ नॉन एज, यानी इसका क्या है कि अगर गॉल ब्लेडर में स्टोन हो जाए या गॉल ब्लेडर को निकालना पड़े, रिमूव करना पड़े, तो उसको क्या कहेंगे। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है कॉलसिस्टेक्टोमी, सेकेंड ऑप्शन है कॉलिडोकोलिथियासिस, थर्ड ऑप्शन है कोलेलिथियासिस, एंड फोर्थ ऑप्शन है कोलोनोस्कोपी। तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा वो है कॉलसिस्टेक्टोमी। अब हमारा 14th क्वेश्चन है विच ऑर्गन इज फाउंड इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, तो इसमें क्या है कि हमारा कौन सा ऑर्गन, हमारे एब्डोमेन के 9 रीजन होते हैं, तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में कौन सा ऑर्गन पाया जाता है, ठीक है, कौन सा ऑर्गन होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन लीवर, सेकंड ऑप्शन स्प्लीन, एंड थर्ड ऑप्शन पेनक्रियाज, एंड फोर्थ ऑप्शन है किडनी। इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा लीवर। अब हमारा 15th क्वेश्चन है स्टोन प्रेजेंट इन CBD यानी कॉमन बाइल डक्ट इज कॉल्ड, यानी कॉमन बाइल डक्ट में अगर स्टोन हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है कोलिडोकोलिथियासिस, एंड सेकंड ऑप्शन है नेफ्रोलिथियासिस, एंड थर्ड ऑप्शन है फ्लेबाइटिस, एंड फोर्थ ऑप्शन है कोलिलिथियासिस। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो है ए कोलिडोकोलिथियासिस। अब हमारा क्या है कि सेकंड जो क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट क्या है कि इसमें फिलअप है, यानी क्वेश्चन दिया है और उसको फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया है जो उसका आंसर होगा। तो हम लोग को इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है CBD स्टैंड्स फॉर, यानी CBD का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका होगा कॉमन बाइल डक्ट। हमारा सेकंड क्वेश्चन है साइट फॉर स्पाइनल एनेस्थीसिया, तो स्पाइनल एनेस्थीसिया किस साइट पर यानी वर्टिब्री के किस रीजन में दिया जाता है, तो इसका होगा आंसर L2 to L5 रीजन, ठीक है, तो L2 to L5 रीजन होता है इसका। और हमारे 3rd क्वेश्चन है ऑब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग इज नॉन एज, तो इसका आंसर होगा एपनिया, यानी हम लोग सांस एकदम रुक जाए, सांस नहीं ले रहे हैं, कोई सांस लेने की प्रक्रिया नहीं हो रही है, तो उसे एपनिया की कंडीशन बोलेंगे, ठीक है। अब MRM, 4th क्वेश्चन है MRM स्टैंड्स फॉर, तो MRM का फुल फॉर्म क्या होगा, मॉडिफाइड रेडियल मास्टेक्टोमी। अब हमारा 5th क्वेश्चन है इंसिजन यूज्ड इन कॉलसिस्टेक्टोमी, यानी कॉलसिस्टेक्टोमी यानी गॉल ब्लेडर के रिमूवल सर्जरी में कौन सा कट हम लोग लगाते हैं, कौन सा इंसिजन लगाते हैं, तो वो है हमारा कॉकर इंसिजन या राइट पैरामीडियन इंसिजन, ठीक है। अब हमारा 6th क्वेश्चन है पल्स रेट इज लेस देन 60 बीट्स पर मिनट इज नॉन एज, तो इसका आंसर होगा हमारा अगर 60 से कम हमारा पल्स रेट होता है तो उसे हम लोग ब्रेडीकार्डिया बोलते हैं। अब हमारा है 7th क्वेश्चन PPE स्टैंड्स फॉर, तो इसका फुल फॉर्म होगा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। अब हमारा 8th क्वेश्चन है प्रेजेंस ऑफ एयर इन लंग्स इज नॉन एज, यानी हमारे लंग्स में अगर एयर भर जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो ये होगा न्यूमोथॉरिक्स। अब हमारा 9th क्वेश्चन है लैरिंगोस्कोप इज यूज्ड फॉर, तो जो लैरिंगोस्कोप है उसका यूज़ क्यों करते हैं, तो लैरिंक्स को विजुअलाइज करने के लिए, जो हमारे लैरिंक्स है उसको विजुअलाइज करने के लिए। तो हमारा 10th क्वेश्चन है SBC स्टैंड्स फॉर, यानी SBC का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका होगा सुपीरियर वेना केवा। तो इस तरह से हमने सभी क्वेश्चंस को डिस्कशन कर लिया। अगर आपको कहीं भी किसी क्वेश्चन में क्वेरी हो, प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।